नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रियलिटी ग्रेड के बारे में बात करेंगे और सत्यापन और रिजल्ट जो है आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। ये गुड न्यूज है आपकी। कल मैंने आपको बताया था कि SSP वाराणसी जो कि SIT के हेड हैं उनसे मुलाकात की गई थी। उनकी मुलाकात में क्या निकल कर आया उसके बारे में मैंने आपको बताया था। वही चीज़ आज समाचार पत्रों में आई है। समाचार पत्रों में भी पूरी फुल डिटेल नहीं है और जो SSP वाराणसी से मुलाकात की पूरी बातचीत है वो पूरी बातचीत मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पूरी बातचीत। सबसे पहले दोस्तों हम अखबारों में क्या छपा उसके बारे में बता देते हैं आपको। देखिए, अमर उजाला प्रयागराज का जो है वो छाप रहा है कि 15 दिन में पूरी होगी LT ग्रेड शिक्षक की भर्ती। ये जो मैंने कल बताया था आपको, सेम टू सेम वही चीज़ बता रहे हैं ये। और परिणाम घोषित करने के लिए छात्रों ने मांग की है SSP से मिलकर, वाराणसी से, SSP वाराणसी से मिलकर शाम को 6 बजे, और उसके बाद उन्होंने 15 दिन में जांच रिपोर्ट जारी करने का आश्वासन दिया है। तो इस न्यूज़ को अमर उजाला ने छापा है। प्रयागराज का ही दैनिक जागरण छापता है कि 15 दिन में पूरी होगी पेपर लीक की जांच। लोक सेवा आयोग में अभ्यर्थियों ने जल्द पूरा कराने का आग्रह किया था। इसके बाद SSP ऑफिस पहुंचे थे और उनसे जल्द रिपोर्ट देने का आश्वासन किया था। और इसमें लिखा हुआ है कि 15 विषयों में से 2 विषयों को छोड़कर बाकी सबकी जाँच जो है अपने अंतिम चरण में है। और 15 दिन में SSP ने वादा किया है कि रिपोर्ट को, जांच रिपोर्ट को सबमिट कर दिया जाएगा। एक अन्य अखबार ने लिखा है कि परीक्षार्थियों ने SSP से की मुलाकात और पेपर लीक मैटर में 15 दिन में रिपोर्ट जारी की जाएगी। साथ ही साथ यहां पे आप देख सकते हैं एक न्यूज और है, BHU रेजिडेंट्स ने निकाला विरोध मार्च। ये विरोध मार्च निकाला गया है उन्नाव रेप कांड को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उन्नाव का रेपकांड भारतीय समाज पर एक बहुत ही बड़ा धब्बा है और ये उस समय है जब करोड़ों युवा चौकीदार बनकर घूमते हैं। मैं भी हूँ चौकीदार, लिखते हैं बड़े फख्र से। और उस देश में एक बहन की, एक बेटी की ये दशा कर दी जाती है न्याय की गुहार के लिए। न्याय सड़कों पर मर रहा है, उस कंडीशन में सोचिए कितनी बुरी बात है ये। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये वाराणसी की आंखों देखी रिपोर्ट है और ये मीडिया में यही पेपर गया हुआ है और यहाँ पर पूरी पूरी डिटेल दी हुई है। एक एक बात को यहाँ पे बताया गया और इस रिपोर्ट को उपलब्ध कराया है नावेद जी ने। नावेद जी जो हमारे LT सिलेक्टेड मेंबर्स का जो LT सिलेक्टेड ग्रुप है, जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं LT में, उन सभी का एक ग्रुप है व्हाट्सएप, वहाँ के मेंबर हैं। तो नावेद जी को धन्यवाद जो उन्होंने ये न्यूज़ निकाली, और उन सभी लोगों को भी धन्यवाद जो लोग धरने में गए इलाहाबाद से और वाराणसी से। तो दोस्तों, इस न्यूज़ पर बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबको मालूम है कि 29 जुलाई को जो तय हुआ था उसके अनुसार 1 अगस्त को सभी लोग धरने पर पहुँचे और करीब 200 लोग इलाहाबाद से गए, जिसमें 40 गर्ल्स थी, और 6 बजे रेलवे स्टेशन में पहुँच गए। उसके बाद लेकिन जो है ट्रेन काफ़ी लेट आई, 7 बजे ट्रेन वहाँ से रवाना होनी थी, लेकिन 4 घंटे की देरी से 11 बजे रवाना हुई और 5 बजे पूरा जत्था जो है SSP कार्यालय पहुंचा। SSP साहब कार्यालय में नहीं थे। SP प्रोटोकॉल सुखदेव भारती जी से मिलकर प्रतियोगियों ने अपनी पीड़ा बताई। अपने मृदुल स्वभाव और विक्की खान साहब के विशेष प्रयास से उन्होंने व्यक्तिगत SP साहब से बात कर 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें विक्की खान, शेर सिंह, प्रदीप सिंह, अनुज्ञा और अपर्णा को एक प्रोटोकॉल अधिकारी के साथ SSP आवास, जो कि कार्यालय से 2 किलोमीटर दूर था, बातचीत करने के लिए भेजा गया। कुछ समय के बाद अंदर जाने के लिए बुलावा आया। बातचीत की पूरा अंश आप लोग देखिए। 5 लोग अंदर गए, SSP साहब से प्रणाम बोला और उन्होंने कहा ये सब लोग बैठिए, अपनी समस्या बताइए। विक्की खान सर ने क्या किया, सभी LT प्रतियोगी हैं और सभी का परिचय भी कराया। SSP साहब बोले ठीक है, मुस्कुराते हुए बोले ठीक है। विक्की खान ने हम सभी LT की जाँच रिपोर्ट शीघ्र भेजने का आग्रह लेकर आए हुए हैं। SSP साहब बोले अभी जाँच चल रही है, बहुत जल्द हम कोर्ट में इसे सबमिट कर देंगे। विक्की खान जी ने बोला बहुत विस्तार से LT का पूरा प्रकरण समझाते हुए, लगभग 5 मिनट तक पूरा प्रकरण समझाया SSP साहब को। SSP साहब बोले कि हम LT के 3 विषयों की जांच कर रहे हैं जिसका पेपर 101% लीक हुआ। ध्यान दीजिएगा, 101% लीक हुआ और 3 विषयों की जांच कर रहे हैं। शेर सिंह जी ने बोला कि सर सिर्फ हिंदी और सोशल साइंस पर ही जाँच चल रही है। तब SSP साहब बोले हाँ वही 2 विषय, उन्होंने अपनी गलती सुधारी, उन्होंने बोला हाँ वही 2 विषयों पर जिसकी हम जांच कर रहे हैं, 3 नहीं 2। विक्की खान साहब ने बोला कि 50 लोगों के ऊपर पूरा फोकस करते हुए जांच रिपोर्ट सौंपने का निवेदन
किया। और प्रदीप सिंह ने बोला, 29 जुलाई को धरने का पूरा विवरण बताते हुए कहा कि लोक सेवा आयोग अध्यक्ष ने आपसे बात करने के लिए बोला था। एसएसपी साहब बोले, हाँ उनका फोन आया था, विवेचना के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई जांच रिपोर्ट नहीं मांगी। विक्की खान जी ने बोला, पूरे साहस के साथ बोला कि सर आपके कार्यालय पर 500 विभिन्न जिलों से आए हुए प्रतियोगियों की भारी संख्या खड़ी है जो सिर्फ आपके जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। 500 कैंडिडेट हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं, और ये पूरी तरह सत्य बात थी क्योंकि जत्था बहुत बड़ा था, 200 के आसपास, 250 के आसपास करीब इलाहाबाद से आए थे, बाकी बनारस से काफ़ी लोग गए थे और आसपास के जिलों से काफ़ी लोग गए थे। एसएसपी साहब बोले, 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट कोर्ट में भेज देंगे। विक्की खान और एसएसपी साहब ने लोक सेवा आयोग अंजू कटियार एलटी भ्रष्टाचार को लेकर 10 मिनट तक बातचीत होती रही। अनुज्ञा जी बोली, सर आपकी रिपोर्ट पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। अपर्णा जी बोली, अब 10 वर्ष तक हम तैयारी करते करते थक चुके हैं, परिवार के लोग भी तैयारी करके नाम पर समय देने को तैयार नहीं है, सर आप हमारी मदद करें। प्रदीप सिंह जी बोले, भ्रष्टाचार करने वाले बचने नहीं चाहिए, लेकिन ईमानदारी से पढ़ने वालों का अहित नहीं होना चाहिए सर। विक्की खान जी बोले, उन 50 लोगों को बंगाल की खाड़ी में भेजकर हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। एसएफसी साहब बोले, आयोग अपना परिणाम देने के लिए स्वतंत्र है। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आयोग अपना परिणाम देने के लिए स्वतंत्र है, हम तो सिर्फ चोलापुर में हुए 50 लोगों की जाँच कर रहे हैं, जो चोलापुर की घटना हुई है उसके बारे में केवल जाँच कर रहे हैं ये लोग, और आयोग चाहे तो रिजल्ट जारी कर सकती है। विक्की खान साहब ने बोला, सर आप सिर्फ जांच रिपोर्ट भेजिए, रिजल्ट तो हम 48 घंटों में ले लेंगे, मतलब 48 घंटों में रिजल्ट ले लिया जाएगा। शेर सिंह और एसएसपी साहब से आयोग की कार्य प्रणाली पर थोड़ी देर बात हुई, अंत में हम सब 5 लोग जो है हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए बाहर आ गए। एसएसपी साहब बोले, आप लोग परेशान ना हो, हम 15 दिन के अंदर अपना कार्य पूरा कर लेंगे। विक्की खान साहब, सर आप भी अपनी तैयारी के समय बेरोजगारी की पीड़ा जरूर महसूस किए होंगे। एसएसपी साहब मुस्कुराते हुए विक्की खान प्रयागराज में रहने वाले प्रतियोगियों की पीड़ा दर्शाते हुए, फिर हम सभी लोग खड़े होकर सभी के आंखों में आंसू, एक स्वर में, सर आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं, यह हम सभी के जीवन का अंतिम अवसर है। एसएसपी साहब बोले, आप सभी घबराएं नहीं, 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दूंगा। तो दोस्तों ये फाइनल हो गया है कि 15 दिन के अंदर जाँच रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी जाएगी और उसके बाद आपका सत्यापन का काम शुरू होगा, और रिजल्ट के लिए तो आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र है, रिजल्ट जारी कर सकता है आयोग। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आयोग चाहे तो किसी भी दिन कोई भी रिजल्ट जारी कर सकता है। रही बात सत्यापन की, तो सत्यापन वो जांच रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ही करेगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट, जो कि ये आंखों देखा हाल था, जो टीम गई थी उसमें से एक मेंबर ने ही लिखा है ये, और धन्यवाद उनको, नावेद जी को फिर से धन्यवाद जिन्होंने सूचना उपलब्ध कराई, और आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप एलटी ग्रुप से संबंधित हैं, एलटी की परीक्षा आपने दी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको सारे नोटिफिकेशन यहाँ से मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।